हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीस्ट। आपने हमारे सभी वीडियोस में देखा ही होगा, हम उसमें बताते रहते हैं अपनी जो जर्नी ऑनलाइन अर्निंग की है। किसी में हम बताते हैं हमने इतने डॉलर्स कमा लिए, उतने डॉलर्स कमा लिए, ये अर्न कर लिया, वो अर्न कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें आज 3,000 रुपये का लॉस कैसे हुआ है। वो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो गाइज, आप सब हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, कभी अपनी सजेशन सेंड करते हैं हमें व्हाट्सएप पर कि आपका पेड SEO कोर्स कब आएगा, या फिर आप पेड SEO कोर्स करोगे नहीं करोगे। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मत करना, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना। हमने तो कभी मनी के लिए YouTube को स्टार्ट नहीं किया, हम बस ये सोचते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का वो हम आपके साथ शेयर करें, और जो हमने सीखा है ओवर द ईयर्स वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पर बताएं, ताकि आप भी ग्रो कर सकें। सो गाइज, रिसेंटली अभी एक टेक्निकल रिपॉन करके एक चैनल है यूट्यूब पर, उनने एक अपना SEO कोर्स 1.2 समथिंग SEO माफिया करके वो लॉन्च करा, उसका उनने प्राइसिंग रखा 3,000 रुपीज़। मैं बहुत ही क्यूरियस था कि हमें भी वो लेना चाहिए, हम के पेड कोर्सेज में होता क्या है, ऐसी क्या चीज़ वो बताते हैं पेड ऑनलाइन कोर्सेज में जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जो कि हमें ब्लॉग्स पढ़ के या यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, वो ऐसा क्या दे रहे हैं। सो वी परचेज्ड दैट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो पूरा 3,000 रुपया लॉस ही हो गया मेरा। उसमें बिल्कुल ही बकवास करी हुई है, कुछ भी मतलब जो मन में आ रहा है बंदे के वो बोल रहा है, उसको बस बेसिक सा जो आपको जो बेसिक नॉलेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को बस एक HD कैमरे के साथ शूट कर दिया और उसको एक वीडियो को बना के बेच दिया। आई थिंक के वो टेक्निकल रिपन के दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि बस मेरे 15 या 20 कोर्स बिक जाएं 3,000 रुपये के, 15-20 बिक गए 60-70 हज़ार रुपये आ जाएगा, दैट्स इट, ये महीना हो गया, 2-3 महीने के बाद फिर से कर लेंगे, एक अच्छी अर्निंग हो जाएगी। गाइज, इतना बेकार कंटेंट है, मतलब वो पूरी वीडियो को देखते टाइम मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी कि अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता, जो बंदा आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा है और उसने ये 3,000 इधर इन्वेस्ट किया होता, तो पूरे कोर्स में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इधर 3,000 लगाने के बजाय अगर मैं यही 3,000 की एक डोमेन और एक 12 महीने का मैं कोई होस्टिंग प्लान ले लूं और उस पर मैं पूरे साल इधर की वीडियो देख के उधर की वीडियो देख के कुछ कुछ जितना भी मुझे नॉलेज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप उसको यूज़ कीजिए, आप उस पर पोस्ट कीजिए, चलेगा तो तब भी आप कुछ सीखेंगे, नहीं चलेगा तब भी आप सीखेंगे, राइट? तो ऐसे कोई मतलब बिना मतलब के कुछ भी बोल रहा है वो बंदा, कुछ नॉलेज नहीं है उस वीडियो में। आप मतलब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके वो खरीदें, हमारा भी ऐसे ही मतलब आज का रेवेन्यू थोड़ा बहुत लॉस हुआ, ये 3,000 तो निकालना पड़ेगा हमें भी कहीं से। कुछ भी उसमें इंफॉर्मेटिव नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसी को दोबारा रिपीट कर दे रहा है शूट करके, और वो एक पेड कोर्स बना के बेच दे रहा है। मैंने अभी तक SEO माफिया का 1.1 जो भी है उसका कोर्स वो मैंने अभी नहीं देखा है, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दैट ऑल्सो, एंड उसका भी रिव्यू मैं देखूंगा कि उसमें अब है क्या, जो ये बंदा इतना पहला कोर्स उसका सक्सेस हुआ होगा तभी वो दूसरा बना रहा है, और ये बंदे कौन से हैं जो उसको उसको खरीदते हैं और बाद में उसको अच्छा फीडबैक भी देते हैं। उसका जो उनने यूट्यूब पर वीडियो डाला उस पर बहुत फीडबैक के उनने मैसेजेस वैसेजेस डाले हुए थे, इतना बेकार कोर्स। आई अश्योर यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ 3 महीने के लिए जुड़े रहो, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए, जो अपना हमारा नॉलेज है उसको हम एक एक वीडियो करके लाएंगे ना आपके पास। हमारा यूट्यूब फुल टाइम हमारा करियर नहीं है, हमारे पास अदर जॉब्स भी हैं करने के लिए, यूट्यूब हम करते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो हम शेयर कर दें। अब हम इसको डेडिकेटेड होके कर रहे हैं, डेली हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो, हम उसमें एडवांस टॉपिक्स भी फोकस करते हैं, फिर जब हमें मैसेजेस आते हैं कि आप थोड़ा स्टार्टिंग का बताइए तो हम वो भी फोकस करते हैं। सो हम अभी 3 महीने के इंटरवल तक हम अराउंड 120 वीडियोस डाल देंगे होपफुली, और उसमें हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल के दे देंगे आपको। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोर्सेज होंगे, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में हमने आज तक कोई भी ऑनलाइन पेड कोर्स तो लिया ही नहीं है। हमने भी जब करियर स्टार्ट किया था तो हम भी यूट्यूब से सब सीखा था, ब्लॉग पढ़े थे इंस्पिरेशन के लिए। मैं खुद जो हर्ष अग्रवाल है वो अपने शाउट मी लाउड पे अपना मंथली जो उनका रेवेन्यू आता था उसकी वो पूरा बताते थे, इतना हुआ उतना हुआ, $25,000 का उनका अर्निंग होती थी मंथली, तो मैं उसको देख के इंस्पायर होता था। कोई भी यूट्यूब पर अपने गूगल एडसेंस से अर्निंग की प्रूफ्स दिखाता था तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वही रीज़न है कि हम भी आपको अपने डेली की अर्निंग, क्योंकि जब मैं किसी की अर्निंग देखता था वो बंदे यूट्यूब पर नहीं डालते ड्यू टू
सम रीजंस के पॉलिसी ब्रेक हो जाती है गूगल की, तो वो अपनी नहीं रेगुलरली अपलोड करते थे, कभी महीने में एक बार अपना अर्निंग बता दिया। तो उसी के लिए हमने अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसपे हम डेली अपनी अर्निंग, जो भी हमारे एडसेंस के रिलेटेड अपडेट्स होती है, हमने कौन से साइट्स पे लगाया कौन से पे नहीं लगाया, अपना सारा ट्रैफिक की डिटेल्स, क्योंकि सभी को क्यूरियोसिटी रहती है कि ऑनलाइन अर्निंग हो कैसे रही है, हो रही है तो कितनी हो रही है, कब स्टार्ट किया था वो, अभी क्या कर रहे हैं जो बंदा अर्न कर रहा है। तो उसी के लिए हम भी अपनी सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जहां तक रही है टेक्निकल रिपन के इस कोर्स की बात, ये तो इतना बकवास कोर्स था, मतलब 3000 तो बर्बाद ही हुए हमारे आज के दिन पे। और आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको छोड़ के कोई और कोर्स भी लें, जो जितना मर्जी बोले कि मैं आपको $500 कमाने दे दूंगा, मैं $1000 आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, भाई कुछ नहीं होगा जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर, अगर आप अभी तक स्ट्राइक नहीं कर पाए हैं तो आपका फॉल्ट है, राइट? वही YouTube को देख के हमने 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया, वही रिव्यूज़ देख के, वही प्रूफ्स देख के हमने 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया, और आप आज तक सिर्फ प्रूफ्स ही देख रहे हैं, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सो दिस इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड कि आप बस प्रूफ्स देखें नहीं, आप बस ये नहीं मैं ये कोर्स ले लेता हूँ, मैं ये चीज़ के बारे में पढ़ लेता हूँ, इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ लेता हूँ, इम्प्लीमेंट करके देखो उसको। अगर WhatsApp की वायरल स्क्रिप्ट्स के बारे में आपने देखी है कोई वीडियो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, इधर यू विल फेल और यू विल सक्सीड, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो बस आप इसी में रहोगे कि वो उसने ये XYZ यूट्यूबर ने बोला है कि ये करोगे $500 आएगा, इससे करने से 1000 आएगा, मैं उस चीज़ के लिए वेट करूंगा जिसपे 5000 बनता है महीने का, तो वो नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट करोगे, जब हमने स्टार्ट करा था हमारी फर्स्ट पेमेंट, हमने जो अपनी फर्स्ट अर्निंग करी थी दैट वॉज फ्रॉम पॉप एड्स, और वो $5 की थी बस, वो $5 हमने 5 दिन में कमाए थे, पर डे की हमारी अर्निंग $1 की होती थी, और उसके 5 दिन के बाद हमने एड्स बंद कर दी उसकी। सो ये जर्नी बहुत लंबी है, अभी आप बस ये वीडियोस पे, आप ये पेड कोर्सेज के सर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू ट्राई थिंग्स। जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, जैसे हमने आपको अपने पिछले वीडियो में गूगल साइट्स के बारे में बताया, आप में से कितनों ने इम्प्लीमेंट करा? अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं होती है सारी की सारी गूगल साइट्स रैंक, राइट? कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, कुछ इजीली होंगी, कुछ को टाइम लगेगा, यही है। तो करने से होगा, ऐसे बस बोल देने से, पेड कोर्स ले लेने से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सभी पूछते हैं मैं इससे एडसेंस अकाउंट मिल रहा है, मैं वहाँ से एडसेंस अकाउंट ले लूँ नहीं लूँ, मैं ये पेड कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, कैसा है आप देख के बताओ सर। भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ डोमेन, अ होस्टिंग। होस्टिंग के पैसे नहीं है, गो विद ब्लॉगर, दैट्स इट, और उस पर पोस्ट स्टार्ट करो। हमने आपको टारगेट दिया, आप 3 महीने में 1000 पोस्ट डालो, आपकी साइट नहीं चलेगी, वी आर हेयर, आप हमें बात करना, लेकिन आप पहले पोस्ट तो डालो। ऐसे ये पेड कोर्सेज लेकर या कोई पेड टूल्स लेकर कुछ नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यूट्यूब पर, उसको पहले देखो, उसको एनालाइज करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट। सो आप ये SEO माफिया वाफिया तो मत ही खरीदना बिल्कुल भी, पेड कोर्स से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा अगर आपको कमाना है, आपको $1000-2000 पर डे का कमा रहा है, उसका मुझे नहीं पता, उसके लिए शायद कोई ये कोर्स वोर्स आते हो SEO माफिया के। लेकिन अगर आपको बस 100-150-200 पर डे, 250 पर डे, 300 पर डे तक कमाना है, 500 भी तक भी हम कभी कभी जाते हैं, 400 तक भी जाते हैं, अगर आपको उतना करना है, दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर। अगर आप आज तक स्ट्राइक नहीं कर पाए, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने ट्राई नहीं करा, या फिर आप सही डायरेक्शन में अपनी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, राइट? तो आपको देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन में नहीं है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। गाइज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी बस इतना ही रखते हैं। ये था मेरा कॉम्प्रिहेंसिव सा रिव्यू। रिव्यू क्या मतलब, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो भी मुझे लगा। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को मत ही खरीदना। अगर टेक्निकल रिपन इसको देख रहा है, इस वीडियो को फॉर सम रीज़न अगर वहाँ तक ये वीडियो पहुँच गई है, तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई क्यों, मतलब बिना मतलब के लोगों के पैसे दबाने में क्या मज़ा आ रहा है तुम्हें? 1,00,000 तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, एंजॉय करो उनको। जो अब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करो, गूगल एडसेंस से मिल रहा है जितना मिल रहा है तुम्हें, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है अगर वो इतनी वैल्यूएबल है कि उससे अर्निंग होती है, तो तुम ये कोर्सेज बनाने के बजाय, जैसे हम साइट्स बना के अर्न करते हैं, तुम भी साइट्स बना लो ना। अगर रैंक करने के लिए जो तुमने 5 वीडियो बनाई हैं, तो वो तुम 5ों की 5ों वीडियो खुद देख लो ढंग से,
और तुम अपनी कोई साइट्स रैंक करवा लो, बहुत अर्निंग है उसमें। ऐसे 3,000-3,000 रुपये इकट्ठा करोगे लोगों से, फिर बाद में मुझ जैसे लोग गाली देंगे, उससे तो ज़्यादा अच्छा यही है ना कि तुम एक साइट बनाओ, मज़े से दबा के पैसे आएंगे। सो आई वुड जस्ट, मतलब ये मैं फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हमारे लिए तो चलो ठीक है, हम कर लेंगे कंपनसेट, 3,000 कम हो जाएगा हमारा ओवरऑल अर्निंग से, कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो बंदा जो 3,000 रुपये इकट्ठे कर रहा है फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, उसने बहुत ही कम रुपए इकट्ठे करके आज 3,000 इकट्ठे करें कि टेक्निकल रिपन एक कोर्स डालेंगे और मैं उसको खरीदूंगा, तो उसका तो 3,000 तुमने मिट्टी में कर दिया ना। जब हमने स्टार्ट करा था तो मुझे अभी भी याद है, मैंने 5,000 रुपये होस्टिंग पे लगाया है, हमारा 7 महीने तक कुछ अर्निंग नहीं हुआ था, तो वो 5,000 भी उस बंदे को बाद में लगाना है तुम्हारे कोर्स को खरीदने के बाद। वो होस्टिंग भी लेगा, डोमेन लेगा, चलेगा फिर नहीं, क्योंकि तुमने कॉन्टेंट तो ऐसे ही बेकार से दिया हुआ है। सो ऐसे कोर्स वोर्स को लेने के बजाय आप उस मनी को सही ढंग की जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। ऑल इन ऑल मैं बस इतना ही कहूँगा, पेड कोर्स को मत लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ब्लॉग्स हैं, आप गूगल पर सर्च तो करिए, यूट्यूब पर ढंग से सर्च कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, एंड यू कैन ऑल्सो मेक मनी जस्ट बाय डूइंग थिंग्स, नॉट बाय बाइंग सम पेड कोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर विद दिस वीडियो गाइज। अब ये वीडियो जैसा भी था, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। यहां तक अगर देखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज वी आर न्यू इन दिस कम्युनिटी एंड वी वॉन्ट टू ग्रो एंड वी विल एंड वी वॉन्ट टू शेयर आर एक्सपीरियंस। जो भी हमने 5 साल के एक्सपीरियंस में जितना भी हमने साइट्स, हमने अभी मोर देन 30 साइट्स पे हम वर्क कर चुके हैं और उससे हमें 10 मिलियन के अराउंड हमें मंथली ट्रैफिक भी आता है। सो हम वो वाला एक्सपीरियंस यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, अपना डेली हमारा वीडियो आ रहा है, ये एक ऐसे ही अब मैं कर रहा था तो हमें लगा ये शेयर करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम ऐसी वीडियोस आपके, ऐसी नहीं, हम SEO के रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्चिंग के रिलेटेड, एडवांस्ड SEO के रिलेटेड हमारी वीडियोस आने वाली हैं। सो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, हमारी जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं हम सब वो यहाँ पर इस चैनल पर शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसका प्राइसिंग नहीं है। कभी भी आपको पेड कोर्स हमारे चैनल से नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मैं एक पेड कोर्स पहले बनाऊंगा वीडियोज़ में, उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा उसमें टाइम वाइम, और मैं बाद में आपको 500, 1,000, 2,000 में आपको बेचूंगा, उससे ज़्यादा तो हमें एक वेबसाइट लॉन्च करके रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और ये वाला तो बस वन टाइम है, आप एक बार खरीद लोगे उसके बाद तो आप देखोगे नहीं, और वो वेबसाइट अगर मेरी 1 साल चल गई तो हमें तो पूरा उसका रेवेन्यू आता रहेगा एवरी मंथ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।